Hi dear student, today we are going to learn our next chapter, that is 1.7 परमवीर चक्र our heroes. ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेसन है 1.7 परमवीर चक्र दैट इज our heroes. मतलब कि ये परमवीर जो चक्र है, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, परमवीर चक्र. ठीक है, ये किसको मिलता है, हमारे जो रियल हीरोज होते हैं. कौन से हीरोज, रियल हीरोज. ठीक है, ये उनको मिलता है. आप देखते हैं कि ये किसको, कैसे, क्यों मिलता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. यू मे हैव हर्ड अबाउट लेजेंडरी हीरोज ऑफ पास्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी. But even today's many brave soldiers of our country sacrifice their own life for our safety. देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, यू मे हैव लर्न अबाउट लेजेंडरी हीरो, कि आपने बहुत सारे जो हमारे लेजेंडरी हीरो हैं, लेजेंडरी हीरो मतलब लेजेंडरी मतलब महान, ग्रेटेस्ट. ठीक है, तो जो हमारे ग्रेटेस्ट हीरोज़ हैं उनके बारे में, ऑफ द पास्ट, हम लोग ने पास्ट में इनके बारे में बहुत सारे ऐसे हमारे लेजेंडरी हीरो हम लोग ने जिनके बारे में पढ़ा है. ठीक है, एंड देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, और जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिन मतलब असाधारण, जो लोग साधारण लोगों से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करते हैं उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट मतलब कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम किए हैं. ठीक है, ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी दैट मीन्स बहादुरता का जो काम किया है, बहादुरी का वो. बट इवन टुडे मैनी ब्रेव सोल्जर ऑफ आवर कंट्री सेक्रीफाइजेज देयर ओन लाइफ फॉर आवर सेफ्टी. देखो, बट इवन टुडे, आज भी ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स है. कौन है, ब्रेव सोल्जर्स है, जो ब्रेव मतलब बहादुर सोल्जर्स है ऑफ आवर कंट्री सेक्रीफाइसेस. सेक्रीफाइसेस मतलब कि क्या होता है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि हम जब किसी के लिए क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसेस. ठीक है, फिर उसके बाद में बोल रहा है, देयर ओन लाइव्स फॉर आवर सेफ्टी, आवर सेफ्टी, हमारे सेफ्टी के लिए उन लोग अपना ओन खुद की लाइफ को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, मतलब कि दाव पे लगा देते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनका कोई भी ये नहीं रहता है कि वो कब तक जिंदा रहेंगे कब तक नहीं, क्योंकि जब भी वॉर होने लगता है तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोग का डेथ हो जाता है. देयर ब्रेव डीड्स आर हॉनर बाय बेस्ट वॉर बेस्टोविंग मिलिट्री डेकोरेशन ऑन देम. और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा क्या है, सॉरी, देयर ब्रेव डीड्स, उनका जो ये क्या है, बहादुरी का कार्य है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीड्स आर ऑनर बाय, तो उनको सम्मान, ऑनर मतलब क्या, उनका सम्मान होता है बाय बेस्ट वोविंग मिलिट्री डेकोरेशन और देम, उनको ये जो बेस्ट वोविंग बेस्टोविंग मिलिट्री डेकोरेशन ऑन देम, उनको ये चीज़ें क्या होती है, मिलती है, जो हमारे क्या, उनको ऑनर किया जाता है, मतलब कि उनका सम्मान किया जाता है इसी चीज़ से. ठीक है, उनको सम्मानित किया जाता है, ये चिन्ह देते हैं. ठीक है, उनको अभी देखते हैं. परमवीर चक्र इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, और जो ये परमवीर चक्र है हमारा, ठीक है, जो पिक्चर में दिख रहा है वो क्या है, हमारे भारत का, इंडिया का क्या है, हाईएस्ट मतलब कि सर्वोच्च, इंडिया का हाईएस्ट क्या है, मिलिट्री डेकोरेशन मतलब कि सैन्य सम्मान चिन्ह है, मतलब कि हम लोग अपने जो भी क्या है सोल्जर्स हैं उनको हम लोग क्या, एज अ रिस्पेक्ट, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए ये सबसे बड़ा क्या होता है, उनका मेडल होता है, ये ब्रेवरी का मेडल है. क्या, कौन सा, परमवीर चक्र, ये सिर्फ हमारे रियल हीरोज को ही मिलता है. ठीक है, इट इज़ अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्सिपिशियस ब्रेवरी और सम डेयरिंग और प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वॉलियर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड एट सी और इन द एयर. देखो, और बोल रहा है कि ये किसको मिलता है, जो परमवीर चक्र है ये सबसे क्या है, विशेष है, मतलब कि स्पेशल है. ठीक है, इसमें देखो थ्री टाइप के हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिफेंस सिस्टम है, एक है वाटर,
एयर एंड लैंड। लैंड पे कौन है? हमारे सोल्जर्स है। एयर में कौन है? हमारे जो फाइटर्स है, ठीक है, एयर फाइटर्स हैं। एंड देन लास्ट का है वाटर। वाटर पे जो हमारे वाटर के थ्रू जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो। तो ये तीनों साइड में, ठीक है, जो लोग अपने अपने सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं अपने अपने को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। एनिमी मीन्स कौन? हमारा दुश्मन, ठीक है, उनके प्रेजेंस में अगर ये लोग कुछ करते हैं। वेदर ऑन लैंड सी एंड एयर, मतलब तीनों जो हमारा डिफेंस सिस्टम है तीनों में से कोई भी टाइप में होगा तो ये उनको दिया जाता है, ठीक है। परमवीर चक्र इज़ वेरी रेयर ऑनर। और जो परमवीर चक्र है ये बहुत ही क्या है, रेयर, मतलब कि कम लोगों को दिया जाता है, ठीक है, मतलब कि जो ज़्यादा अच्छा काम करता है उसी को मिलता है। सो फार इट हैज़ बीन अवॉर्डेड ओनली 21 टाइम्स। और अभी तक ये कितना, सिर्फ 21 टाइम्स क्या किया गया है, यह केवल 21 बार सम्मानित किया गया, मतलब कि ऑनर किया गया है, ठीक है। 14 ऑफ दिस अवार्ड वर गिवेन पोस्टमेसली। और इसमें से जो क्या है यहाँ पे, पोस्टमेसली का मीनिंग क्या है, इसको बोलते हैं मरणोपरांत, मतलब कि जब कोई क्या होता है मर जाता है, ठीक है, मतलब कि देश की रक्षा करते करते अगर वो लोग अपनी जान गंवा देते तो ये मेडल उनको भी मिलता है। तो इसमें से 14 ऐसे लोगों को मिला है जो क्या हो गए हैं, अब मर चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने अब देश के लिए अपना क्या किया है, जान गंवा दिया है। लेट्स सी, अभी देखते हैं कि परमवीर चक्र के बारे में यहाँ पे क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। अभी पहले ये देख लेते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, द मेडल इज इट सेल्फ इज वेरी सिंपल इन अपेयरेंस। बोल रहा है कि देखो ये जो मेडल है ये दिखने में कैसा है, इट सेल्फ कुड वेरी सिंपल इन अपेयरेंस। अपेयरेंस मतलब कि दिखने में ये बहुत ही एकदम सिंपल है। इट इज़ मेड ऑफ ब्रोंज। और ये किससे बना है? ब्रोंज से बना है, देखो ब्रोंज हमको दिख रहा है। एंड इट इज़ फिटेड विद द स्वीवेल माउंटिंग एंड हैज़ प्लान पर्पल रिबन। और क्या बोल रहा है, इसका जो ये है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ मेड ऑफ ब्रोंज एंड फिटेड विद, और इसको किससे फिट किया गया है, मतलब कि किसके साथ लगाया गया है, विद द स्वीविंग माउंटिंग एंड हैज़ प्लेन पर्पल रिबन। देखो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे जो है क्या है, स्वीबेल माउंटिंग है, और इसको पर्पल कलर के क्या है ये, सॉरी रिबिन जो है पर्पल कलर का, उससे फिट किया गया है, ठीक है। ऑन द ऑब्जर्व, अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि इसका निरीक्षण करते हैं, इट हैज़ द इंडियन नेशनल एम्बल एट द सेंटर। इसके सेंटर में मतलब कि बीच में क्या है, इंडियन नेशनल एम्बलेन है। क्या है देखो यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारे इंडिया में होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्र के वज्र बोलते हैं, ठीक है, जिसको। तो ये हमारे बीच में क्या है, ये हमारे भारत का प्रतीक होता है, जो बीच में शेर और टाइगर जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो, अगर हम इन क्या करेंगे, इन डिटेल देखेंगे उसको अच्छे से, तो जिसको हम नेशनल एम्बल बोलते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय 4 रिप्लिकेस ऑफ इंद्रस वज्र। और यहाँ पे इंद्र वज्र का फार क्या है, रेप्लिकस है, देखो जो इंद्र का वज्र होता है, ठीक है, ये वो क्या है, ये चारों वज्र से घिरा हुआ है, ठीक है, इंद्र के वज्र से घिरा हुआ है। और जो मैंने पहले बोला था कि इंद्र वज्र ये नहीं है, जो मिडल में है वो क्या है, हमारा भारतीय का जो चिन्ह है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है, जो हमारे कॉइन्स में भी होता है, ठीक है। ऑन द रिवर्स द वर्ड परमवीर चक्र आर एनग्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश विद 2 लोटस फ्लावर इन बिटवीन। और बोल रहा है कि इन रिवर्स, मतलब कि अगर हम लोग इसके बैक साइड में देखेंगे, ठीक है, पीछे साइड, तो परमवीर चक्र को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, जिसके बीच में 2 कमल के क्या है, फूल है, लोटस फ्लावर्स हैं, इन बिटवीन इंग्लिश और हिंदी जहाँ पे लिखा है परमवीर चक्र। इसका आप लोग और भी फोटोज़ गूगल करके देखना, तो उसको बैक साइड का भी दिखाई देगा, ठीक है। परमवीर चक्र मेडल वॉज डिज़ाइन बाय सावित्री बाई खानोलकर। और इसको किसने डिज़ाइन किया था?
सावित्रीबाई खालोनकर. शी वॉज यूरोपियन लेडी. वो यूरोपियन लेडी थी हु मैरिड विक्रम खानकोलकर. देखो वो वहाँ की थी, कहाँ की, यूरोपियन थी, बट उसने किससे शादी की थी, विक्रम खानलोनकर से, ठीक है, इसीलिए उसका नाम खानोलकर. एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर, और वो कौन था, इंडियन आर्मी ऑफिसर था. सावित्री बाई लव इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप. उनको इंडिया से बहुत प्यार था, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया का सिटीजनशिप भी ले लिया. सिटीजनशिप मतलब नागरिकता ले ली. शी स्पोक मराठी, संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली एंड हैड स्टडीड इन इंडिया आर्ट एंड ट्रेडिशन इन डेप्थ. और उन्होंने क्या किया था, शी स्पोक मतलब कि वो बोलती थी मराठी, संस्कृत, हिंदी एकदम फ्लुएंटली, मतलब अच्छे से, ठीक है, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से बोलती थी. और उसने क्या बोला है, इंडियन आर्ट मतलब कि जो भारतीय कला होती है और जो हमारा ट्रेडिशन होता है, परंपरा होती है, ठीक है, इन डेप्थ, डेप्थ मतलब एकदम गहराई से उसने क्या किया है, उसकी स्टडी की है, उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट, द 21 ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव परमवीर चक्र. अभी हम लोग यहाँ पे 21 ऐसे ब्रेवेस्ट लोगों के बारे में, बहादुर लोगों के बारे में बनाया है, जिनको क्या है, परमवीर चक्र, जो परमवीर चक्र क्या है, ब्रेवेस्ट 21 ही अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, हम लोग ने ऊपर पढ़ा. तो देखो कौन कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा है, और लेंस नाइक करम सिंह, सेकेंड ल्यूलियंट रामा राघोबा राणे, और देनाइक नाइक जदुनाथ सिंह, कंपनी हलविंदर, मेजर पिरू, कैप्टन गुरु बच्चन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हलविंदर अब्दुल हामिद, लिएटुएंजा कॉलन एडिसन बोरेंजिन थापरा लेशन. देखो और एक्सेट्रा जो इतने भी नाम दिए हैं 21, ठीक है, इन लोगों को क्या है, अभी तक परमवीर चक्र मिला है सिर्फ, ठीक है. देखो यहाँ पे मीनिंग भी दिया था, तो हम लोग ने जो ध्यान नहीं दिया, लेजेंडरी का मतलब क्या है, वेरी फेमस और एडमायर, जिसमें हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, महानायक, ठीक है. अब यहाँ पे हम ये मीनिंग आपको लर्न करना पड़ेगा. अब देखते हैं कि हमारे लेसन में और क्या बताया है. इंडियाज वज्र और थंडर बोल्ट इज सपोज टू बी मैचलेस वेपन, बट वॉट मेक द वेपन इनविंकेबल इन द सुप्रीम सेक्रीफाइसेस ऑफ द सिक्स दादीची, ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया का वज्र है, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना इंद्र का वज्र, अभी देखा था इंद्रास वज्र, और या फिर उसको क्या बोलते हैं, थंडर बोल्ट, क्या बोलते हैं, थंडर बोल्ट, मतलब कि एक अतुलनीय, मतलब कि जिसका हम लोग क्या कर सकते, जिसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, इज सपोज टू बी मैचलेस. देखो यहाँ पे बोल रहे हैं मैचलेस वेपन, एक ऐसा वेपन है जिसका कोई भी मैच नहीं है, ठीक है. बट वॉट मेक द वेपन इनकम्बिएबल, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा वेपन है, ठीक है, जो क्या है, सॉरी कहाँ गया, इनविकेबल मतलब कि यहाँ पे जिसको अजेय हो है, द सुप्रीम सेक्रीफाइसेस ऑफ द सेक दादीची, ठीक है. तो यहाँ पे एक हम लोगों को एक सुप्रीम सेक्रीफाइसेस मतलब कि एक यहाँ पे ऋषि है जिन्होंने क्या किया था, सेक्रीफाइसेस किया था, और वो क्या है, उनका सबसे बड़ा बलिदान था, सेक्रीफाइसेस मतलब कि उनका बलिदान उन्होंने दे दिया था अपनी कंट्री के लिए, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो अ डेमोन हैड स्टोलन ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड. देखो यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू लेगेंस, मतलब कि हमारे जो लेगेंस जो जिन्होंने बताया है कहानी, उन्होंने बताया कि थाउजेंड्स ईयर अगो मतलब कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, अ डिमोन हैड स्टॉलन. डिमोन दैट मीन्स हम किसको बोलते हैं, जो लोग क्या करते हैं, गंदे काम करते हैं, जिसको हम दानव बोल सकते हैं, ठीक है. तो जुमेन उसने स्टोलन मतलब कि चोरी की थी, क्या किया था, ऑल वाटर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो पूरा वाटर है वो उन्होंने पानी चुरा लिया था, ठीक है. ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड मतलब कि हमारा जो पौराणिक कथा होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है. इनोसेंट पीपल वर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर, तो उसमें जो भी बेचारे इंसान थे, ठीक है,
जो साधारण इंसान थे वो लोग भी सफर वाटर का सफ़र कर रहे थे, उनको पानी नहीं मिल रहा था एंड डाइंग, मतलब कि बिना पानी के वो लोग मर गए। दिस डिमोन कुड नॉट बी डिफिटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक वुड मेटल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो डिमोन है कुड नॉट बी डिफिटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन, तो ये किसी भी ऑर्डिनरी वेपन से, मतलब वेपन मतलब क्या, जो हथियार होता है, तो वो किसी भी साधारण सामग्री के बने किसी भी हथियार से उसको हराया नहीं जा सकता था। ये पता चला कि जो ऋषि है दधीचि के पास एक ऐसा असाधारण शक्ति की क्या थी, देखो मटेरियल है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड, और इसको मारने के लिए जो डेमोन था क्या चाहिए था हमको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायर था, ठीक है, ज़रूरत थी। इट वॉज लर्न दैट द सेक दालचीनी हैड बोन्स ऑफ सच अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो ये पता चला लोगों को कि जो दादीची है, ठीक है, उन्होंने क्या है, हेड बोन्स, उनके पास ऐसी हड्डियाँ थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की पावर थी, मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा पावर था। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर बोन्स ऑफ लिविंग मैन, लेकिन कोई कैसे उनसे मांगता बोन्स ऑफ लिविंग मैन, क्योंकि वो तो जिंदा थे, ठीक है, उनके हड्डियों में बोन्स में क्या थे, वो पावर थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट वो तो क्या थे, लिविंग मैन थे, तो उनसे कौन मांगता। तो फिर जो सेज मतलब कि जो हमारे ऋषि थे, दादीची वॉज अ नोबल पर्सन, वो एक बहुत ही नोबल पर्सन थे, ही हिमसेल्फ लेट डाउन हिज लाइफ एंड गिव हिज ओन बोन टू हेल्प द पीपल। उन्होंने क्या किया, खुद ही उन्होंने अपने आप को, जिंदा थे फिर भी उन्होंने क्या किया, लेट डाउन हिज लाइफ, अपने लाइफ को उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने जान दे के उन्होंने क्या किया, गिव हिज ओन बोन, अपना खुद का बोन क्या किया, मतलब कि हड्डी उन्होंने पीपल्स को दे दिए, लोगों को। इंद्र वज्र इंद्रस वीपन ऑफ थाउजेंड बोल्ट वॉज फैशन फ्रॉम दिस बोन्स एंड द डिमांड वॉज डिफिटेड। हाँ ही, तो उसने क्या किया था, खुद से ही अपनी हड्डी उन लोगों को दे दिया, और ये क्या हो गया, डिमांड वॉज सॉरी इंद्रस वीपन थाउजेंड बोल्ट वॉज फैशनेड फ्रॉम द बोन्स एंड द डिमोन वॉज डिफिटेड। और फिर जो डिमोन था उसको इन शक्तियों से, मतलब कि जो ये बोन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थे उससे उसको हरा दिया गया, ठीक है। जस्ट एज द इंद्र वॉज डिराइव पावर फ्रॉम सेज ऑफ दालचीनी बोन, जैसे ही बोल रहा है कि जैसे इंद्र वज्र जो क्या था वो किससे डिराइव था, पावर ऑफ सेज दादीचीज बोन, वो जो दादीजी थे ऋषि दादीजी बोन थे उनके हड्डियों से इंद्र वज्र क्या हुआ था, बना था। द इंडियन मिलिट्री डिराइव इट्स स्ट्रेंथ एंड पावर फ्रॉम द सेक्रीफाइसेस, तो उसी तरह से जो इंडियन मिलिट्री है उसको भी डिराइव किया गया है कि स्ट्रेंथ एंड पावर फ्रॉम द सेक्रीफाइसेस, अगर कोई अपनी शक्ति का, जैसे कि वो ऋषि थे उनके हड्डियों में क्या था, पावर था, तो उन्होंने क्या किया, वो उन अच्छे पर्संस लोग के लिए क्या किया, अपने आप को ना सोचते हुए भी मतलब कि दे दिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो ऐसे ही बोल रहा है कि हमारे जो क्या है सोल्जर्स है, इंडियन मिलिट्री है, वो लोग भी क्या करते हैं, अपने स्ट्रेंथ और पावर को हमारे सेक्रीफाइसेस के लिए क्या करते हैं, दे देते हैं। ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव द परमवीर चक्र होल्डर, तो इसीलिए उसमें क्या है, हमारा परमवीर जो चक्र है, ठीक है, वो सबसे बलवान, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्रेव होता है, ठीक है, और वो लोग अगर सेक्रीफाइसेस करते हैं हमारे लिए तो उनको ये परमवीर चक्र दिया जाता है। और इसीलिए परमवीर चक्र में हमारा जो इंद्र वज्र है, यही जो स्टोरी अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा हमारा, ठीक है, हमारी ट्रेडिशनल स्टोरी है, तो इस वजह से ही क्या हुआ, उसमें इंद्र वज्र भी बना हुआ है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्टोरी दी हुई है किसी की, देखते हैं किसके बारे में, एक हमारे जो हीरोज है रियल हीरोज उसमें से, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखोन 10877 FP PVC स्क्वाडन नंबर 18 द फ्लाइंग बुलेट। देखो यहाँ पे उनका नंबर दिया है कि स्क्वाडन नंबर क्या था, वो एक फ्लाइंग बुलेट क्या करते थे, उड़ाते थे। ऑन द 14th of December 1971 में देखो क्या हुआ था, श्रीनगर एयरफील्ड वॉज अटेक्टेड, एयरफील्ड मतलब कि जो ऊपर जो ये सब चलते हैं, ठीक है, जो फाइटर प्लान्स वगैरह होते हैं, वॉज अटेक्टेड बाय वेव ऑफ सिक्स एनिमी सेबर एयरक्राफ्ट, तो उस पर हम लोगों के इस पर क्या हुआ था, अटैक्ट हो गया था बाय वेव ऑफ सिक्स एनिमी, मतलब जिसपे छः दुश्मन क्या थे, सवार थे विमान के तरंगों पे।
flying officer Nirmal Jit Singh Sekhon was on the readiness duty at that time. और उस टाइम पे हमारे जो जो फ्लाइंग जेट था, ठीक है, वहाँ पे कौन था ऑन ड्यूटी? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखोन, मतलब कि ये थे उस टाइम पे, ठीक है. ही कुड नॉट टेक ऑफ इमिडिएटली बिकॉज ऑफ क्लाउड ऑफ डस्ट रेजन बाय अनदर एयरक्राफ्ट. देखो यहाँ पे बोल रहा है कुड नॉट टेक ऑफ इमिडिएटली, वो वहाँ से उतर नहीं, मतलब कि उतरे नहीं तुरंत. क्यों? क्योंकि क्या था, बिकॉज क्लाउड ऑफ डस्ट रेज बाय अनदर एयरक्राफ्ट, जो और भी एयरक्राफ्ट थे उनका जो क्लाउड का डस्ट था गंदा, वो सब आगे गए थे, इनको दिख नहीं रहे थे. बाय द टाइम ऑफ रनवे वॉज क्लियर, जब हमारा रनवे क्या हो गया था, क्लियर हो गया था, मतलब साफ हो गया था, देन द एनिमी एयरक्राफ्ट वर ओवर हेड, और तो जो हमारा एनिमी लोग का, दुश्मन लोग का एयरक्राफ्ट था, वो क्या था, थोड़ा सा आगे था, ठीक है. दुश्मन का विमान आगे जा चुका था इन लोग के ऊपर, थोड़ा सा अटैक वटैक करने के बाद वो लोग आगे चले गए थे, ठीक है. दे वर फ्लाइंग लो और फायरिंग एंड अटेटिंग द एयरक्राफ्ट विद बॉम्ब. और देखो वो जो एनिमी तो लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, जो एयरफील्ड है उसमें बॉम्ब से भी अटैक कर रहे थे. इवन वेन फ्लाइंग ऑफिसर सेकोन टुक ऑफ हिज ग्रैंड फाइटर द मूवमेंट ही कुड. और फिर एक ऐसा टाइम आया कि जो उन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे एक क्या था, ग्रैंड फाइटर, ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया, टुक ऑफ, मतलब कि उसको उतार दिया लड़ाई में लड़ने के लिए. ही बिगेन टू कम बैक द पावरफुल सबवे जेट एयरक्राफ्ट, उन्होंने ये स्टार्ट किया क्या, कम बैक द पावरफुल सबवे जेट, ये जो सबर जेट है एयरक्राफ्ट हमारा, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल था, तो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया. ही डैमेज टू ऑफ देम, और उन्होंने जो वो पूरे सिक्स एनिमी थे उसमें से दो लोगों को डैमेज भी किया, मतलब कि चोट भी को उनको पूरी तरह से घायल कर दिया. ही फॉट विथ द अटैकिंग एयरक्राफ्ट नाउ कंटिन्यूड एट थ्री टॉप हाइट, और अभी वो कंटिन्यू फाइटिंग कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, थ्री टॉप हाइट पे किया था. द लास्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट फ्लेड फ्रॉम द सीन ऑफ बैटल, द एयरफील्ड एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वर सेव. और इस तरह से इन्होंने क्या किया, वो लोग पूरे श्रीनगर पे भी क्या कर रहे थे, फायर कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना जो ग्नेट फाइटर जेट था, ठीक है, उसको निकाला और फिर उससे लड़ना स्टार्ट किया, और उन्होंने जो श्रीनगर है, ठीक है, वो उसको बचा लिया. द एयरफेयर डाउन टाउन ऑफ श्रीनगर वर सेव, देखो उसको सेव कर लिया था. बट अलास फ्लाइंग ऑफिसर सेकंड्स एयरक्राफ्ट टू क्रैश एंड ही वॉज किल्ड. देखो उन्होंने श्रीनगर को बचा तो लिया, लेकिन जब वो एनिमी लोग से क्या कर रहे थे, फाइटर प्लान में लड़ रहे थे, तब उनके साथ साथ इनका प्लान भी क्या हुआ, क्रैश हो गया था, मतलब कि वहाँ पे जब टूट फूट जाता है और उसमें आग लग जाती है, तो वो भी क्या हुए थे, ही वॉज किल्ड, और वो भी मारे गए वहाँ पे, ठीक है. फ्लाइंग ऑफिसर सेकंड डिस्प्लेड ग्रेट फ्लाइंग स्किल एंड डिटर्मिनेशन टू फेस द सर्टन डेथ. देखो जो फ्लाइंग ऑफिसर सेकंड थे उनको क्या कैसे दिखे थे, ग्रेट फ्लाइंग स्किल, उनके पास जो फ्लाई करते हैं हम लोग क्या अपना फाइटर प्लान, उसका बहुत ही अच्छा स्किल था, और उनका डिटर्मिनेशन भी बहुत था. इन द फेस ऑफ सर्टन डेथ, जब वो डेथ के टाइम पर भी जब मतलब कि मरने वाले, तभी भी उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा वो थी. ही शो अनमैच हीरोइज्म अबो द बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी. देखो उन्होंने ही शोड, मतलब कि उन्होंने अपने आप को दिखा गया कि वो बहुत ही अनमैच हीरोइज्म, मतलब कि एक बहुत ही बड़े हीरो थे जिसका कोई मैच नहीं कर सकता. एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, और वो भी वो अपने क्या थे, अपने ड्यूटी पे रहते रहते उन्होंने ये हीरोइज्म हासिल किया. सैल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, हम लोग ऐसे जो हमारे ब्रेवेस्ट, मतलब कि बहादुर के बहादुरी के बहादुर जो है, ठीक है, मतलब ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, हम लोग उसको क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन को, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा लेसन क्या होता है, एंड होता है. और देखो यहाँ पे आपको होमवर्क में आपको क्या करना है, जो हार्डवर्ड्स है उसका मीनिंग लिखना है, ठीक है, और हार्डवर्ड्स की मीनिंग लिखने हैं और उसको आपको लर्न भी करना. देखो यहाँ पे दिया है, डू रीड मोर ऑन द इंटरनेट एट www.paramveerchakra.com अबाउट द गैलेट PVC अवार्ड हु लेट डाउन देयर लाइव्स इन द सर्विस ऑफ कंट्री. यू विल सी द बिलोंग वेरियस कम्युनिटीज एंड रिलीजन. देखो आप लोगों को बोल रहा है, एक साइट दिया है, अगर आप इस साइट पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे हमारे और कितने हीरो हैं,
ठीक है, जो हमारे रियल हीरोज हैं ऐसे और कितने हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होता है, एंड होता है यूनिट 1। थैंक यू।